आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल इन शॉर्ट मैरिटाइम। और जैसा कि मैं आपसे शुरुआत से कहता ही आ रहा हूँ कि मैं इस चैनल पे अपने कुछ बैचमेट्स और अपने कुछ सीनियर्स को लाता रहूँगा जो आपके साथ अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जैसे कि अब कोरोना की वजह से कुछ दिख तो रहा नहीं है कि आगे कब एग्ज़ाम्स होंगे, बट स्टिल कभी ना कभी होंगे ही, और टाइम पास आता जा रहा है कि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। तो TMI सेट और IMUCT बहुत जल्द हो जाएगा, तो मैं आज आपके सामने अपना एक बैचमेट लाऊंगा। ही विल शेयर इज एंटायर TMI सेट एक्सपीरियंस। अब इसमें खास बात यह है कि मेरे बैचमेट के इसके 93.4% थे क्लास 12th में। यस, द एंटायर स्ट्रीम PCM पूरी स्ट्रीम में उसके 93.4% थे। ही पास्ड आउट फ्रॉम अ CBSE स्कूल, और यहाँ तक कि इसने 5 SSBs को अटेंड किया हुआ है, NDA का एंट्रेंस क्लियर किया हुआ है रिटन 5 times, although he wasn't selected, but still. तो आज जो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, ही विल टेल यू एवरी सिंगल थिंग जो उसने वहाँ देखी और ऑब्जर्व करी जब वो TMI सेट देने गया, हिज रिटन एंड हिज इंटरव्यू एंड एवरीबडी अराउंड हिम, कौन कैसा ड्रेसअप करके आया था, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, आपको कैसे क्या फॉलो करना चाहिए। फ्रैंक है, आपको पूरा आइडिया इसका लग जाएगा, वो आपको ठीक से समझा देगा। तो आइए देखते हैं कि कैडेट करण को TMI सेट एक्सपीरियंस के बारे में आपसे क्या शेयर करना है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल इन शॉर्ट मैरिटाइम। सो आज का वीडियो जो है वो है हाउ टू एक्सेल एट TMI सेट। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप अपना TMI सेट का रिजल्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको अपना खुद का जो एक्सपीरियंस था वो भी बताऊंगा कि मैंने जब TMI सेट फेस किया तो क्या क्या मैंने गलतियां करी थी, क्या क्या सुधारी जा सकती हैं, और जो मैंने अपने सराउंडिंग्स में वहाँ पे जो और मेरे साथ कैंडिडेट्स गए थे उनने क्या क्या गलतियां करी, क्यों उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं ये कुछ टिप्स आपको आज देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। तो मैंने ये एग्ज़ाम दिया था 2018 में, जब एग्ज़ाम सेंटर मेरा था जयपुर। तो TMI सेट का मेरा सेंटर आया था आर्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि मेरे घर से अराउंड 20 to 25 kilometers दूर है। तो आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, मैंने कुछ स्टडीज़ करी थी, जैसे मैं उस टाइम JEE मेंस की तैयारी करता था, जो कि सभी PCM स्टूडेंट्स बेसिकली करते ही हैं, एडवांस की नहीं तो मेंस की एटलीस्ट तो करते ही हैं। तो उसी लेवल का पेपर रहता है, तो मैं सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस थे वो काफ़ी अलग थे बाकी एग्जामिनेशंस जो होते हैं, लाइक SRM का होता है, VIT का होता है, इनसे इंस्ट्रक्शंस थोड़े डिफरेंट थे। यहाँ पे था कि TMI सेट का एक पेपर होगा, उसके बाद एक TMI सेट इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले तो हमें बोला गया था कि वेल यूनिफॉर्म पहन के आना अपनी, लाइक फॉर्मल वन इन विच यू हैव वियर अ फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, बेल्ट, टाई एंड अ प्रॉपर पॉलिश शूज। तो मैं उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करके गया था। बट वहाँ जब मैं पहुँचा तो मैंने कई कैंडिडेट्स ऐसे देखे दोस्तों जिन्होंने थोड़े से लाइक शूज़ की जगह उनके पास सैंडल्स थे, टाई नहीं लगा रखी है, टाई लगा रखी है तो बो टाई लगा के आए, कुछ अपना पार्टी वियर चमकीला सा कोट पहन के आ गए। तो ये देखो आप जो चाहे वो पहन सकते हैं, बट जहाँ आप जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जा रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो एक बार अपने आप को कांच में सामने देखो तो सही कि इंटरव्यू में आपको किस तरह का आउटफिट आपको पहनना है। तो सबसे पहली गलती लोग ये करते हैं कि अपनी अपीयरेंस प्रॉपर नहीं रखते हैं। सेकेंड था हेयर कट, एक डिसेंट हेयर कट होना चाहिए दोस्तों। देखो अभी तो मैं घर पे हूँ क्वारंटाइन की वजह से, बाकी TMI के अंदर इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट कि हमको क्रू कट रखना होता है, क्लीन शेव, अभी मज़े चल रहे हैं हमारे। बाकी वही था, अगर वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा बहुत पहले से हो उस बंदे में तो हम उसी पिक कर लें। अब वहाँ पे मैंने देखे कुछ बियर्डोज आए हुए हैं, लंबी लंबी बियर्ड लेके, कुछ ने बाल इतने इतने कर रखे हैं। चलो वो उस टाइम चलता है अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, आपके पास ईगर है इंटरव्यू देने का, बट एक बार को यार थोड़ा डिसेंट हेयर कट ले लेना जाने से पहले, थोड़ा अपना ट्रिम कर लेना बियर्ड, अगर अच्छी बियर्ड है तो उसको ट्रिम करके चले जाना, और अगर 2-4 बाल है तो उन्हें शेव कर लेना, वो ज़्यादा सही लगेगा। फिर उसके बाद चलते हैं एग्जामिनेशन सेंटर बोधक। कुछ थोड़ा सा मन में थी नर्वसनेस, पर उसको मैंने काउंटर किया, मैं गया, मैं बैठा, 1 घंटे का टेस्ट था, 2 पार्ट थे, पहला पार्ट था फिजिक्स एंड मैथ्स, दूसरा पार्ट था रीजनिंग। फिजिक्स के 20 questions, मैथ्स के 20 questions, लॉजिकल रीजनिंग 10 questions, एनालिटिकल रीजनिंग 10 questions। तो सबसे पहले मैंने फिजिक्स अटैम्प्ट करी। फिजिक्स में बेसिक मोस्टली जो टॉपिक्स थे वहाँ पे वो थे लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया अपना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायंसी वगैरह, और उसके अलावा NLM हो गए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, उसके अलावा क्वेश्चंस थे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पे। ये जो मेन टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं TMI वाले, तो ये आप थोड़ा प्रिपेयर कर लें। देन उसके बाद मैथ्स पे स्विच किया, मैथ्स के अंदर मोस्टली क्वेश्चंस ट्रिगो से रिलेटेड थे, 9th 10th की ट्रिगो, जो कि
आधे लोग भूल चुके थे जो बेसिक फार्मूला साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, ये भी बंदों को वहाँ पे याद नहीं आ रहे थे। तो ये अपना थोड़ा ब्रशअप करके जाना DMI साइड में जाने से पहले। देन उसके बाद मैंने शिफ्ट किया लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, वो काफ़ी ईजी लेवल की थी। उसमें अराउंड आप लोग हद मार मतलब कम से कम भी यार 10 में से 8 आप लॉजिकल में सही कर दोगे और 10 में से 8-9 आप एनालिटिकल में भी सही कर दोगे। बस मेन फोकस होता है फिजिक्स का। फिजिक्स अगर किसी ने अच्छे से जेई मेंस की प्रिपेयर करी है तो वो आगे उसके अंदर स्कोर कर जाएगा। मेरा स्कोर था 60 में से अराउंड 49.75 और इट वॉज अ डिसेंट स्कोर। बाकी मैंने वहाँ पर आसपास पूछा तो सबका अराउंड 30 प्लस तो था ही एटलीस्ट। देन उसके बाद हाई हम एक सेकेंड लॉट आया जिनको भेज दिया गया पेपर के लिए, और हमारा जो फर्स्ट लॉट था हमें भेज दिया इंटरव्यू के लिए। हमें बोला कि जो अपना स्कोर है TMI सेट का वो अपने स्क्रिबल पैड के ऊपर लिख लेना, याद रखना, इंटरव्यूअर पूछेगा वहाँ बता देना। सो देन वी हैव मूव टू द कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल था। फिर वहाँ पर हम बैठे, दो इंटरव्यूअर्स थे, एक चीफ, दोनों ही चीफ इंजीनियर्स थे और एक बाहर एक सर अटेंडेंट थे। तो मैंने उन सर से पूछा सर कि मेरे को कोई अभी नंबर नहीं मिला इंटरव्यू का, तो बोले कि रैंडम कॉल होगा आप आ जाना। जो हमारे को डोजियर आईडी दी गई थी उस नंबर से कॉल आया। फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू का कॉल आया, मैं थोड़ा पानी वानी पी के अपना पसीना पहुँच के एकदम अपने आप को शांत करके अंदर गया। सर काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी स्वीटली उन्होंने मेरे से स्टार्टिंग क्वेश्चंस किए। स्टार्टिंग क्वेश्चंस में ही उन्होंने मेरे से मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड के क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड के बाद व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन हर इंटरव्यूअर का होगा अगर आप मैरीटाइम फील्ड के अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हैं किसी भी लेवल पर। तो ये पूछा उन्होंने व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, उसका मैंने आंसर दिया। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस मेरे पे बम्बार्ड हुए वो थोड़े फिज़िक्स के हुए, थोड़े मैथ्स के हुए, ज़्यादा नहीं, बेसिक से, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। इजीली आप अगर अपने माइंड को काम रखेंगे वहाँ पे तो आप दे सकते हैं। सो गाइस बेसिक्स का फंडा ये है कि अपना एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी आपने अपने पास्ट में किया उसको रिकॉल करो, सामने इंटरव्यूअर को बताओ कि मेरा इतना है। अपने आप को यार थोड़ा सेल करना पड़ेगा इंटरव्यू में, ऐसे नहीं है कि यार वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म बढ़ेगा और उसको अपना आपके पास का सब पता लग जाएगा। तो आपको थोड़ा एक्सप्रेसिव होना है, अपना बताओ, अपना फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा थॉरो स्टडी करके जाओ कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, कितना उन्होंने पढ़ाई करी है, क्या है आपका बेसिक रेजिडेंस क्या था पहले जहाँ आप रह रहे हैं अभी से, अगर परमानेंट वही है तो वो, उसके बारे में आपका होम टाउन में भी अगर आपको डेप्थ में कोई जाता है इंटरव्यूअर तो ये पूछेगा कि वहाँ की 5 हिस्टोरिकल प्लेसेस वहाँ का फेमस क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इतनी बेसिक नॉलेज अपने सराउंडिंग्स की होनी चाहिए, सराउंडिंग्स आई मीन फैमिली बैकग्राउंड प्लस योर सिटी। तो इतना सा फंडा है कि यार ये सब दिमाग में रहेगा तो आप इजी इंटरव्यू फेस कर पाएंगे, इंटरव्यू को अपनी तरफ मोल्ड कर पाएंगे। अगर वो टेक्निकल में चला गया तो आपको टेक्निकल में और डालेगा, अगर आप टेक्निकली वीक हैं तो आप वहाँ पे रिजेक्शन का कारण बन सकते हैं। तो गाइज अपनी तरफ उसको मोल्ड करो, फैमिली की तरफ ज़्यादा मोल्ड करो, सेल्फ पे पूछे वो इम्प्रेस हो जाए आपको सब पता है तो वो टेक्निकल पे नहीं जाएगा, टाइम ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाद हम बात करेंगे, ये तो हो गया मेरा पर्सनल इंटरव्यू जो मेरा था, मेरा TMI सेट का पेपर। अब मैं कुछ टिप्स दूंगा जो होंगी हाउ टू एक्सेल एट TMI सेट, हाउ टू एक्सेल एट TMI सेट। सो थिंग्स व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट फॉरमोस्ट पॉइंट इज प्रॉपर ड्रेसिंग। देखो दोस्तों अपना ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सही रखना, क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं TMI वालों के थ्रू की प्रॉपर फॉर्मल आउटफिट पहनना, जिसमें फॉर्मल शर्ट लाइट कलर का कोई भी ले सकते हैं आप, जैसे कि बेसिक हो गए अपने व्हाइट और स्काई ब्लू, पैंट अपनी ब्लैक, शूज ब्लैक प्रेफर करूंगा ब्लैक, बाकी ऐसा कुछ वो नहीं है, फॉर्मल शूज हों, लेसेस वाले प्रॉपरली पॉलिश्ड हों। वहां जाके एग्जाम हॉल में बैठने के बाद पॉइंट नंबर 2, डोंट पैनिक, पैनिक बिल्कुल मत होना, आराम से अपने आप को काम रखना। एक क्वेश्चन नहीं आ रहा उसे स्किप करो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। जो सेकंड पार्ट होता है पार्ट 2, फर्स्ट पार्ट फिजिक्स और मैथ, सेकंड पार्ट लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, वो नॉन नेगेटिव होते हैं दोनों रीजनिंग, 10-10 क्वेश्चन होते हैं, उसको अटेम्प्ट करना अच्छे से। ऐसे नहीं कि आप पहले ही फिजिक्स और मैथ्स में उलझ गए, आपने रीजनिंग तक पहुंच ही नहीं पाए। रीजनिंग वाला पार्ट काफ़ी इजी होता है, आराम से बच्चे लॉजिकल में 9 आउट ऑफ 10 और एनालिटिकल में 8 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हैं।
पॉइंट नंबर 4, डोंट स्टिक टू वन क्वेश्चन फॉर टू लॉन्ग. ये मैं बता चुका हूँ, पर भी 100 मैथ्स में उलझे मत रह जाना, आगे बढ़ते रहना. बी कॉन्फिडेंट वाइल्ड इंटरव्यू. टीएमआई सेट के खत्म होते ही आपको जो टीएमआई सेट का स्कोर होगा वो आप अपने एक जो आप स्क्रिबल पैड होगा उसके पीछे लिखोगे. उसके बाद वो स्कोर आपको इंटरव्यू में काम आएगा. इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा व्हाट वाज योर स्कोर, तो वहां पे आप अपने कॉन्फिडेंस से जो भी स्कोर आया हो, यार ये सब मायने नहीं रखता. देखो इस मैरिटाइम फील्ड में थोड़ा स्कोर कम भी हो बट आपका एटीट्यूड एक हेल्दी एटीट्यूड होना चाहिए. तो बी कॉन्फिडेंट वाइल इंटरव्यू. नेक्स्ट पॉइंट इज शो योर ईगर टू ज्वाइन द कोर्स. देखो विलिंगनेस तो दिखानी पड़ेगी, आपको ऐसे ही कोई भी नहीं ले लेगा. वहां पे 2000 बच्चे आ रहे हैं, उनमें से उनको 240 का बैच बनाना है, तो आपके अंदर वो विलिंगनेस होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये ज्वाइन करना है. ऐसे नहीं कि यार ऑप्शनल है कुछ और भी कर लेंगे, नहीं. सामने इंटरव्यू को जब तक नहीं लगेगा कि यार इस बंदे में है, इसको सही में ज्वाइन करना है, इसमें विलिंगनेस है, ये बाद में अच्छा करेगा, उसी को लिया जाएगा. तो आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. डोंट बी टू मच अग्रेसिव साउंड एरोगेंट. आप अपना विलिंगनेस दिखाते दिखाते एरोगेंट साउंड ना हो. अ बिट ऑफ एग्रेसिव बट नॉट एरोगेंट. ज्यादा एग्रेसिव और एरोगेंट हो गए तो सीधी सी बात है किसी भी इंटरव्यूअर को अच्छा नहीं. आई होप वॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज एक्सपीरियंस माई बैचमेट कैडेट करण शेयर्ड विद यू वुड हैव बीन यूजफुल फॉर यू. कुछ तो आपको बेटर आइडिया लगा ही होगा, कुछ अपनी प्रिपरेशन के बारे में आपने सोचा होगा जब वो आपको एक्सप्लेन कर रहा होगा कैसे आपको आना है. ही एक्सप्लेन एवरीथिंग, पूरा इसने टाइम लेके बताया. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू कैडेट करण फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर मी एंड रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. मैंने कैडेट करण का इंस्टाग्राम हैंडल का यूजर नेम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है. सो एनीबडी हु वांट्स टू फॉलो हिम और टॉक टू हिम, आई थिंक उसने मुझसे बोला था कि ही विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल. सो ही विल रिप्लाई टू यू ऑल. इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग टू हिम यू कैन. बट एज आई ऑलवेज से, कोई भी आपको डाउट हो, एनीथिंग यू नीड, एनीथिंग यू रिक्वायर, प्लीज लेट अस नो. कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज @InShortMaritime. मैंने लोगों के साथ लाइव जाना शुरू कर दिया है. I've just started and I'm slowly gaining followers. But still, अभी बहुत लिमिटेड लोगों तक ही मेरी बात पहुंच रही है. सो आई प्लीज इंसिस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक माई वीडियोज, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज आपको उससे पता चलेगा कि मैं कब नई वीडियो डालता हूँ. अब जैसा आप देख सकते हैं कि आई एम वेरी 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 रेगुलर इन पोस्टिंग माई वीडियोज, और अभी एग्जाम्स आता जा रहा है तो आपके लिए भी शायद यही बेहतर रहेगा कि आपको पता चलता रहे कि क्या नया कंटेंट है. और जितने भी अपडेट्स आते जाएंगे IMU CT या TMI SAT के बारे में, आई विल कीप अपडेटिंग ऑन माय चैनल. सो आई वुड जस्ट लाइक यू ऑल, लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर माय चैनल, लाइक द वीडियो, सो दैट इट आल्सो वर्क्स लाइक अ मोटिवेशन फॉर मी. मुझे भी थोड़ा इनकरेजमेंट मिलता है कि लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे लोगों ने देखना शुरू किया है और मुझे रिप्लाईज और कमेंट्स आ रहे हैं. पीपल नीड द गाइडेंस, और जो मैं वीडियोज बना रहा हूँ उससे कुछ लोगों को फायदा हो तो रहा है. बट आई जस्ट होप कि और लोगों तक पहुंचे. सो आई कंटिन्यू मेकिंग दीज वीडियोज and I continue supporting you and guiding you all. Thank you so much. I hope this video was useful for you all. Thank you.